दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट देव राजपूत अपनी लविंग वाइफ के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एंजॉय दिल से। और आज शीरो भी कर रहा है आप लोगों का स्वागत, वो भी दिल से, क्योंकि शीरो बैठा है यहां कॉर्नर पर हमारे पास और देख रहा है कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। अभी उसके लिए हम कुछ लाए हैं और उसके लिए हम कुछ लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और ज्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और भी ज्यादा और ज्यादा अच्छा लगे शेयर कीजिए, तो अपने नियर एंड डियर को शेयर कीजिएगा, वो भी दिल से। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब, प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल नहीं, ये ब्लॉग नहीं, ये आगे तक जाने वाला है दोस्तों, बहुत आगे तक आपको लेके चलेंगे अपने साथ, वो भी दिल से। हर जगह घुमाएंगे, ले जाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और ऐश करेंगे, वो भी दिल से। एंजॉय दिल से। तो दोस्तों, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और ये सब था, तो अभी बाहर निकलने के साधन नहीं है। अगर किसी और स्टेट में, अब आप पूछोगे लॉकडाउन, मैंने कहा ना कि सैटरडे किसी और स्टेट में जाते हैं हम, तो हमें क्या टेस्ट कराना पड़ता, कोविड कराना पड़ता। तो हम कोशिश करेंगे जो आसपास के एरिया जहाँ पर टेस्ट ना हो या जो भी एक जगह ढूंढी है वो आपको दिखाएंगे, वो हो सकता है जल्दी लेके जाएंगे, जल्दी आपको लेके चले और एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को। दो तीन दिन का टूर होगा या जो भी होगा आपको, वीकेंड पे कभी, वीकेंड में। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। मैं तो हूँ तैयार और आप तैयार हैं, और शीरो आप तैयार हैं? अभी तैयार है शीरो, आप तैयार हैं? दो दिन हो गए आपको मजे मारते हुए, तैयार है शीरो? आज बस दो दिन हो गए आपको मजे मारते हुए, नहीं इसके लिए भी आया अभी, नहीं दो दिन हो गए साहब इसको मजे मारते हुए, और आज भी ये उम्मीद कर रहा है कि, और बालकनी हो गई है खाली और भूरे ने मार दी अंदर एंट्री, अंदर एंट्री है। हाँ जी, उसकी जगह है वो। तो फिर चलते हैं दोस्तों, आप भी तैयार है ना? हाँ। तो चलें, तो चलो फिर चलते हैं, वो भी दिल से, बिल्कुल दिल से। बोलो चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। चलो चलते हैं फिर दिल से, चले गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, चलो। तो आ जाओ भाई दोस्तों, सुबह की शुरुआत करते हैं चीज नूडल के साथ, और साथ में है बहुत ही स्वादिष्ट पोहा। और नूडल और पोहा दोनों का खाना अलग अलग, मतलब ये बच्चों के लिए है, मेरे लिए नहीं है दोस्तों। पार्शियलिटी चल रही है, गुड़िया खाएगी चीज नूडल और अमन के लिए है पोहा। मैं थोड़ा ऑयली, और क्योंकि गुड़िया जानबूझ के चीज नूडल दिखा रही है भाई को, क्योंकि उसने जिम शुरू किया उसके लिए, बेचारे के लिए बना। तो ये नींबू, नींबू निचोड़ोगे उसके अंदर? हाँ नींबू है उसके अंदर, हरी मिर्च भी डाली है, नमक है और कुछ। अच्छा, तो नहीं जूस कौन पिएगा? जूस गुड़िया दिखा के पिएगी, ऑरेंज जूस है, और भाई का बना है बेचारे का ग्लूकोन डी, और कुछ नहीं है उसमें, भी नींबू डाला है। तो भाई हमने तो कहा कि खा ले, लेकिन नहीं खाता तो हम क्या करें? मैं उसको जिम करना है, उसके जिम ट्रेनर ने बोला है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बंद, क्योंकि उसका वेट बहुत बढ़ गया है घर में वर्क फ्रॉम होम की वजह से, और वो बहुत अच्छा जिम है, और वहाँ पर उसके जाते ही तुरंत महीने में उसको दिखता है, रिजल्ट दिखता है, तो खाना उसका बिल्कुल डाइट हो गया है। तो दोस्तों आज बटे हैं यहाँ पर पंपलेट घरों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर खुला एक बेहतर डिपार्टमेंटल स्टोर। अच्छा, इसका नाम ही बेहतर है। जी जी जी। और 28 अगस्त से 14 सितंबर तक ऑफर चल रहे हैं यहाँ पर, और एवरीडे ऑफर भी होते हैं यहाँ पर। तो हम लोग आए ट्राई करने के लिए, देखते हैं चलकर कि क्या रेट में फर्क है कि नहीं फर्क है, और फर्क है दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, फर्क भी है। और मैडम ने ले लिया सामान, और तो आ जाओ भाई दोस्तों, एंजॉय दिल से किचन में, और मिसेज राजपूत आज आपको बताएंगी सनी शुरू पार्शियलिटी मक्खन और बिना मक्खन, और ये बन रहा सनी साइड अप, क्योंकि कल हम लोग आपको रेसिपी नहीं शेयर कर पाए थे, और आज आपको बनाकर दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए, अंडा लिया और अंडे को डाला हमने फ्राई पैन में, नीचे बटर डाला है, नीचे बटर डाला है, और अब ये डाला है, ये ऊपर से नहीं सेका जाएगा, ऊपर ऐसे ही रहेगा, इसी का मतलब है, ये जो नीचे सिकेगा ऊपर से ऐसा ही रहेगा, इसी को कहते हैं सनी साइड अप। सनी साइड अप मतलब ये जो ऊपर सन की तरह दिख रहा है, सूरज की तरह दिख रहा है, बस सीधी सिंपल सी बात है, देसी भाषा में तो बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ना, अब देसी विदेशी नहीं, वो उसका नाम अभी क्या डाला वो तो बताओ। मैंने डाला है काली, वो लाल मिर्च डाली है, काला नमक डाला है, और ये मैंने रख दिया है बटर वाले टोस्ट पर, बटर वाले टोस्ट पे। हाँ, सिक गया नीचे से? हाँ नीचे से, मैं दिखाती हूँ रुको एक सेकंड। अच्छा, ये यहाँ से ऊपर से इसको नहीं सेकना है, थोड़ा ऐसा ही रहेगा क्रीमी टाइप, और ये देखिये नीचे से हो गया बिल्कुल अच्छे से, ये बिल्कुल सीम आंच पर
यानी बिल्कुल बनना है। अब जो बचा हमारे पास ये फ्राई पैन के अंदर, देखिए कोई तेल नहीं है, कोई तेल नहीं है, नमक डाला इसमें ना? इसमें नमक डाला। हाँ, नमक क्यों डाला? थोड़ा सा डालू, ये चिपकेगा नहीं अगला। मैं सोचा गुडलक के लिए डाला। नहीं अच्छा, अंडा फोड़ दिया। हाँ, ये चिपकेगा नहीं अंडा। और ये बन रहा है बेटे के लिए, क्योंकि उसे ऑयल नहीं खाना है, तो जिम जा रहे हैं ना भाई साहब। हाँ, तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसमें भी लाल मिर्च डाली है, काला नमक। अच्छा, इसमें भी ये बिना बटर, बिना बटर। देखिए ये चिपक गया है, इसको मतलब बनाना मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, लेकिन निकल जाएगा, नॉनस्टिक है, नीचे निकल जाएगा, नीचे से बिल्कुल कुरकुरा हो गया। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे अपने अपने घरों में, वो भी दिल से, और स्वस्थ होंगे वो भी दिल से। तो दोस्तों आज का दिन था बहुत ज्यादा हेक्टिक। हाँ जी, जो मैडम ने बोला वो मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बोल पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जानबूझ के इन्हें उर्दू बोलने का शौक है, इंग्लिश नहीं बोलते हैं जानबूझ के। तो दोस्तों एक्चुअली आपने बार बार देखा होगा वीडियोस के अंदर कि मैं पोस्ट ऑफिस गया, 37 गया, 35 गया, 36 गया, क्यों जाता हूँ? ये कभी दिमाग में आप लोगों के आया होगा, लेकिन आपने कभी कमेंट करके पूछा भी नहीं, और ना ही मैंने कभी बताया। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज आया है पार्सल, और बहुत बड़े पैकेट थे, बहुत ज्यादा बड़े। वो आया जापान से, और वो मेरा नहीं है दोस्तों, वो है बेटे का। आप अगर कभी आप YouTube पर अगर कभी आप देख रहे हो, और योगी इंस्टिंक्ट करके चैनल है बेटे का, और उस चैनल के माध्यम से वो जुड़ा हुआ है बच्चों के साथ, और बच्चों हाँ जी बेब्लेड के साथ। तो उसका अपना एक बेब्लेड एसोसिएशन भी है इंडिया के अंदर, IBM करके, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और बच्चे भी जुड़े हुए हैं उसके साथ। तो उसने वहां से बेब्लेड मंगाए, और कुछ इस तरीके के टॉयज मंगाए हैं दोस्तों, ये हजारों टॉयज हैं, और ये बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके के, बहुत प्यारे प्यारे टॉयज हैं ये दोस्तों। मैकडोनल्ड के हैप्पी मील में पहले मिला करता था, शायद इंडिया में मिलता था कि नहीं मिलता था मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जो मार्केट कॉस्ट है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको योगी, क्या बोलते हैं बेटा इसे? केरेरो गुंसो, इसका जैपनीज नाम है, हमें नहीं, वो बोला भी नहीं जाएगा मुझसे। हाँ, मैं तो इसलिए बोल भी नहीं रहा हूँ, केरेरो गुंसो ये सब। हाँ, तो दोस्तों ये 1400 रूपए का इसका मार्केट कॉस्ट है, इंडियन प्राइस। अगर आप ऑनलाइन जाकर ढूंढेंगे या कहीं भी देखेंगे तो 1400 रूपए इसका प्राइस है, लेकिन ये आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल सकता है योगी स्टिक पर। तो अगर आप चाहे अपने बच्चों के लिए अगर टॉयज चाहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे टॉयज वगैरह भी मिल जाएंगे आप लोगों को, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं कभी, बहुत रीजनेबल प्राइस पे, योगी इंस्टिंक्ट पर, योगी इंस्टिंक्ट। तो वो सर्च करिए, ये देखिए बहुत सुंदर टॉयज है, वो पार्सल लेके जाते हैं जो बाहर से इंपोर्ट करके आते हैं। कभी बचपन में मैं इनके लिए, मैंने कोई ऐसा मैकडोनल्ड नहीं छोड़ा होगा दिल्ली का, क्या दिल्ली एनसीआर का, हाँ। क्योंकि उसमें मिलते थे हैप्पी मील के अंदर टॉयज, और उसकी कलेक्शन करते थे हमारे साहबजादे। गुड़िया नहीं करती थी। हाँ, और इसके शौक के लिए मैं जाता था। तो दोस्तों मैं आपसे यही कह रहा था कि मैंने कभी ऐसे मैकडोनल्ड के मतलब कोई स्टोर को नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने जाके वो हैप्पी मील कलेक्ट ना किया हो। बच्चे हैं, बच्चों के लिए करना भी पड़ता है, और उस समय मैकडोनल्ड शायद ही कुछ लोग ही जाते थे, बहुत कम लोग जाते थे, क्योंकि बहुत पुरानी बात क्यों है। याद नहीं है कि जब लास्ट टाइम जब उसका जब वो एक रह गया था, तो मैं वो रह गया के जितने मैकडोनल्ड में सब गया था। उस अभी से इतने साल पहले मैकडोनल्ड का कोई चलन नहीं था ज्यादा, आम लोग नहीं जाते थे, अब तो सब मैकडोनल्ड जाते हैं। उस समय कोई भी नहीं जाता था, और बेटा इतना जिद करता था कि शाम को डेली अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन हर मैकडोनल्ड में वो अपने टॉयज के लिए पापा को और गुड़िया को रामे लेते। वहाँ के बर्गर से मतलब नहीं होता था, वहाँ से खाने मिलने वाले हैप्पी मील से मतलब होता खाने था। से कोई लेना देना नहीं था उसे, तो इस टॉयज को देख के मुझे वो पुरानी याद आ गई, और इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी भी उसका शौक वही है। ये कोई मार्केटिंग के लिए नहीं किया है मैंने दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए शेयर किया है क्योंकि आपके बच्चों को मिल सके, आपके बच्चों को आराम से ये चीजें मिल सके। बिल्कुल। और दोस्तों आज का दिन हो गया है पूरा, और आपसे कल मिलेंगे एक नई मंजिल की तलाश में, और एक नई रेसिपी के साथ तो मजे कीजिए, आनंद लीजिए, वो भी दिल से। तो मिलते हैं फिर आपसे दिल से।